السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Inshallah, today we will begin 19th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Am I audible? Okay. My voice is clear, right? Can somebody confirm, yes, please? Yes, sir, Nasreen, you're clear. Okay. Alhamdulillah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So we'll start up. In service of the Camels of Charity, once an Iraqi delegation, which included Al-Ahnaf bin Qais, the weather was extremely hot and the people noticed that Umar radhiyallahu anhu had his head covered while he was rubbing oil mixed with sulfur on the camels. He ordered Al-Ahnaf to change his clothes and to come to assist him, because these were the camels of the orphans, widows, and the poor. A person from among them said, "Order a slave to perform this task." Umar radhiyallahu anhu answered, "Who can be a greater slave than me or Al-Ahnaf? Anyone who becomes a leader of the people, then he is their servant, similar to a slave to his master." Subhanallah. A very important लेसन अगेन एंड अ वेरी गुड मॉरल फॉर अस टू स्टडी हेयर. जब हम किसी पोजिशन पर पहुँच जाते हैं ना, बहुत ऊँचे अहदे पर अल्लाह ताला हमें पहुँचा देते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आपको जब अल्लाह ताला वो इज्जत बख्शते हैं कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन में आ जाते हो, तो हमारी कैफियत क्या होती है? हम सबको ना छोटा देखने लगते हैं. हम लोग सबको जो है ना क्या कहते हैं, वी स्टार्ट बिलिटलिंग पीपल एंड वी स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम एंड वी स्टार्ट बिहेविंग वेरी एरोगेंटली टूवर्ड्स देम. लेकिन उमर इब्न खत्ताब का तरीका क्या था? उमर इब्न खत्ताब का तरीका ये था कि वो अपने आप को लीडर नहीं, सर्वेंट लीडर कहते थे. सर्वेंट लीडर, अब एक लीडर और सर्वेंट लीडर में क्या फ़र्क है? सर्वेंट लीडर वो होता है जो लोगों को सर्व करता है, उसी तरीके से जैसे कि एक स्लेव एक मास्टर को सर्व करता है. कहने के लिए, दिखाने के लिए आप जो हैं वो टॉप पर हैं और आप जो हैं कमांडिंग पोजीशन पर हैं, और आप अगर कोई हुक्म करें या ऑर्डर दें तो लोग भाग दौड़ मच जाएगी और सारे काम करेंगे. लेकिन आप जो है ना, यू गो बैक टू द वेरी स्मॉल जॉब्स एंड यू स्टार्ट डूइंग इट बाय योर हैंड टू सर्व द पीपल, उस तरीके का लीडर सर्वेंट लीडर कहलाता है. जैसे मैंने पिछले अपने सेशंस में भी आपको जापानीज का तरीका मैंने आपको बताया था कि उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें जब सीईओ अपॉइंट किया जाता है, सो द फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज, जैसे ही वो अपनी ऑफिस रिज्यूम करता है तो वो सबसे पहले जाकर बाथरूम साफ करता है. ही गोज एंड ही मीट्स द जेनिटर्स फर्स्ट, द क्लीनर्स, द लोएस्ट कैटेगरी, और वो लोएस्ट जॉब अपने हाथों से करता है. देर इज अ हिकमा बिहाइंड दिस. द मेन हिकमा इज टू ब्रिंग द आजिजी, टू ब्रिंग द ह्यूमिलिटी, टू ब्रिंग द हम्बलनेस. सेकेंडली, टू ऑल्सो शो द पीपल हायरार्की में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हायरार्की में, ये उन्होंने दिखाना होता है कि ये जो लीडर ऊपर बैठा है उसको नीचे से ऊपर तक सारे जॉब्स आते हैं. नॉट दैट कि अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर, आप जस्ट कमांडिंग, सिर्फ रेड रिबन काटने के लिए नहीं आते. जैसे हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि जो टॉप पर्सन होता है वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होती है, उसे कुछ नहीं पता होता है व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रोडक्शन और व्हाट्स, हाउ इज द वर्क डन. बट अ सर्वेंट लीडर इज द वन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑल द जॉब ऑपरेशन फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप. अगर नीड बी तो वो क्या करेगा, वो उधर जाएगा और उनको काम सिखाने वाली कुव्वत भी रखेगा, वो अपने हार्ट डर्टी करने वाली कुव्वत भी रखेगा. ही नोज द जॉब. अ लीडर इज समवन हु नोज द जॉब, हु डज द जॉब एंड हु शोज द जॉब. दिस इज द लीडरशिप, दिस इज द सर्वेंट लीडर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट समवन हु विल जस्ट सिट देयर एंड देन कमांड पीपल डू दिस डू दैट एंड आई विल कम ओनली टू कट द रिबिन एंड आई एम देयर ओनली जहां पर मैं बैठ के अपना कहवा टाइम करूं और शीशा टाइम करूं. नो, अ सर्वेंट लीडर विल बी कंटिन्यूसली ऑन जॉब. वो ग्राउंड पे रहेगा, वो वर्क करता रहेगा. आपने देखा होगा, मैंने खुद पर्सनली देखा है. मेनी ऑफ यू हु आर फ्रॉम बॉम्बे विल नो दिस. देर इज दिस वेरी फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट जहाँ मैं रहती हूँ मलाड में, उसका नाम अंकल्स किचन था. अभी है वो, बट जो उसके ओनर थे ही पास्ड अवे. सो उनका काम क्या था? ही इज द ओनर, ओके, एंड माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज. यानी हम, इफ आई रिमेंबर चाइनीज फूड इन माई लाइफ, आई कैन ओनली थिंक ऑफ अंकल्स किचन. और उनका इतना बेहतरीन तरीकाकार था. नाउ दे हैव प्रोग्रेस, दे हैव मेड अ रिसॉर्ट एंड दे हैव एक्सपैंडेड लाइक क्रेजी. अल्लाह ने बहुत बरकत दी उनको. बट उनका तरीकाकार क्या था पता है? द ओनर विल बी क्लीनिंग द टेबल.
the owner will be lifting the used plates. Now ye jo ek idea hota na jin logon ka, jo owners ya jo people on the top hai, wo apne level se aake niche working crowd mein apni nazar rakhte hain, and they are not ashamed to do the small petty jobs. Ye unki greatness aur extraordinary hone ki alamat hai. And if a system is running by these leaders, then be idnillah, success is the only thing that you can expect. तो ये जो तरीका कर अब आप देखें ना, ये तो हमारी रियल लाइफ के हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. बट व्हेन वी गो बैक फर्दर इन आवर बुक्स एंड सी दिस उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हमारे खलीफा, हमारे अमीरुल मोमिनीन, वो क्या करते हैं. इराकी डेलीगेशन एक आया हुआ था और उसके अंदर अल अहनाफ बिन कैस भी मौजूद थे. अब वेदर तो छा बहुत बहुत ज्यादा गर्म था, आपको पता है हाउ इट इज इन समर्स इन रेगिस्तान, तो बहुत ज्यादा गर्मी थी. और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपना हेड कवर किया हुआ था और वो ऑयल मिक्स कर रहे, सल्फर के साथ ऑयल मिक्स करके कैमल्स को लगा रहे थे. अब ये उनका कुछ टोटका है टू काम इट डाउन एंड टू सेटल इट. आई जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक, आई थिंक माय बेबी इज रिक्वायरिंग माय अटेंशन, जस्ट हैंग इन प्लीज. ओके, सो ही ऑर्डर्ड अल हनाफ टू चेंज हिज क्लोथ्स एंड टू कम एंड असिस्ट हिम. अब वो डेलीगेशन थे तो ऑफकोर्स उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने अल हनाफ को कहा कि आप अपने कपड़े बदल कर आइए और ये काम में मेरी हेल्प करिए. अब ये जो कैमल्स हैं ये किसको बिलोंग करते थे, ये ऑर्फन्स को, अनाथ को, विधवा को और गरीबों को बिलोंग करते थे. तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि आप किसी नौकर को क्यों नहीं ऑर्डर करते कि वो ये काम करें. यानी आप देखें द किंग, द लीडर, द टॉप मोस्ट पर्सन, द फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, ओके, वो ये काम कर रहे हैं. तो उमर रदिलानहु का आंसर क्या था, उन्होंने कहा मुझसे बड़ा स्लेव और कौन हो सकता है. कहते मुझसे और अल अहनाफ से बड़ा स्लेव और कौन हो सकता है. एनीवन हु बिकम्स अ लीडर ऑफ द पीपल देन ही इज देयर सर्वेंट सिमिलर टू अ स्लेव टू हिज मास्टर. यानी जब आप एक लीडरशिप या एक बॉस की पोजिशन लेते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि आप सिर्फ एक लीडर नहीं है, आप एक सर्वेंट लीडर हैं. सर्वेंट लीडर, अगेन आई रिपीट, वो होता है जो अपने जो उसके अंडर लोग हैं ना उनकी खिदमत करता है, उनको सर्व करता है. और लीडर को बॉटम से लेके टॉप मैनेजमेंट तक की जॉब्स आती है. सो अ सर्वेंट लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु टेक्स देम टू दैट वे, अपने हाथ से लेकर जाता है, सिर्फ बॉस की तरह कमांड नहीं करता. It's a beautiful lesson in there, and we have to always remember this. Whenever we are holding a position of a leadership, we have to remember these points. Respect for Abu Bakr. Jubair bin Nufair related that some people came to Umar radhiyallahu anhu and said, "O leader of the believers, you are the best person that we have seen, a keen observer of the hypocrites who also speaks the truth. You are the most just. In short, you are the best after the messenger of Allah." Auf bin Malik was listening to this conversation. So he interrupted them and said, "You are not speaking the truth. The best after Allah's messenger was another person." Umar asked, "Who?" Auf bin Malik replied, "Abu Bakr." Umar endorsed the opinion of Auf and said, "Auf has spoken the truth and you have spoken lies. By Allah, Abu Bakr was purer than amber. I accepted Islam 6 years after Abu Bakr. Because of this, Umar used to say, Abu Bakr was with Allah's messenger during the time when I was most disarrayed than my camel." आप देखें छोटी छोटी बात पे ये लोग सच और झूठ और हक और बातिल के लिए कितने कॉन्शियस थे. अभी एक नॉर्मल सा किस्सा है, देखें जुबैर बिन नुफैर कहते हैं कि कुछ लोग उमर रदिलानों के पास आए और उनसे कह रहे हैं कि ओ अमीरुल मोमिनीन, आप जो हैं वो बेस्ट पर्सन हैं जो हमने देखा है अब तक के, और आप कितनी आपकी पारखी नज़र है, बहुत ज़बरदस्त आप मुनाफिक को पहचान लेते हैं और आप हमेशा सच बोलते हैं, आप हमेशा अदल करते हैं, इन शॉर्ट आप जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद. औफ बिन मालिक जो थे वो सुन रहे थे ये कन्वर्सेशन को और फिर उन्होंने इमीजिएटली उनको इंटरप्ट किया और उनसे कहा कि आपने सच बात नहीं की. अब इस पर उमर रदिल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि अल्लाह मैसेंजर के बाद कौन है बेस्ट, तो उन्होंने बताया कि उसके बाद जो बेस्ट हैं वो हैं अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु. अब डेफिनेटली ही वाज द इमीडिएट खलीफा, दैट इज़ वन रीज़न, क्योंकि यही सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था.
पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, एंड थर्ड फॉलोइंग पर्सन वॉज उमर इब्न खताब रदियल्लाहु अन्हु. तो डेफिनेटली अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु सुपरसीडेड एवरी टाइम. हमारे पास बहुत सारी अहदीत है जहाँ पर हमने देखा है कि अगर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को कोई हराने की ताकत रखता था इन टर्म्स ऑफ शोइंग द पाइटी, तो वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु थे. तो एक ये वजह थी. दूसरा, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने 6 साल पहले इस्लाम कबूल किया था. ओके और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तब से हैं जब से मैं जो है मेरे कैमल से ज्यादा गुमराह था. यानी ही एक्सेप्टेड इस्लाम 6 years आफ्टर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु. और उस वक्त जिस वक्त वो दीन इस्लाम में नहीं थे, अपने दौरे जाहिलियत में थे, मतलब वो गुमराह थे, तो 6 साल का ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है एज अ बिलीवर. इस वजह से ही सेइंग दैट ये जो शख्स ने जो तारीफ की, तारीफों के पुल बांध दिए उनके लिए, वो उनसे कह रहे हैं कि आपने हक बात नहीं की. कितनी बारी की, कितना सोचते थे ये लोग, कितने कॉन्शियस थे ये लोग. इसे कहते हैं हम तकवा. दिस इज द फियर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. कि एक भी नुक्ते बराबर भी हमारे वर्डिंग्स में, हमारी सोच में, हमारे परसेप्शन में, हमारे कलिमात में इधर से उधर ना होने पाए. इस तरीके की बारीकी होती है. और द मोर यू गेट कॉन्शियस, द मोर यू गेट अल्लाह कॉन्शियस, धीरे धीरे जैसे आपके ऊपर इल्म उतरता है, जैसे जैसे आपकी फहम और अंडरस्टैंडिंग बनती है, वैसे वैसे आप शार्पली फोकस करने लगते हो. अभी तो हम लोग, एज आई कीप ऑलवेज सेइंग दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस. हम लोग जो है ना एक जॉम्बी की तरह जी रहे हैं अपनी जिंदगी. जो जिसने कह दिया, इधर से किसी ने टक्कर मारा उधर मुड़ गए, उधर से किसी ने टक्कर मारा उधर मुड़ गए. वी हैव नो डायरेक्शन, वी हैव नो सेंस, वी हैव नो फोकस, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग. हम भूल जाते हैं, हम सुनते ही नहीं, हम ब्रीदिंग नहीं करते, हम जो एक नॉर्मल करने वाले काम है ना वो भी नहीं करते. वी आर जस्ट ऑटोमेटेड रोबोट्स. सोशल मीडिया ने जिस डायरेक्शन में हमें कर दिया, हम उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं. वी डोंट हैव अ माइंड ऑफ अवर ओन, वी डोंट हैव अवर हार्ट्स टॉकिंग टू अस, एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड टू सी और लिसन टू समबडी हु इज ट्राइंग टू गाइड यू. हम लोग जो हैं ट्रांस में हैं. बट बी इज निल्ला, उस ट्रांस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, अपने होश में आना पड़ेगा और धीरे धीरे अपनी फोकस को शार्प करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को डेवलप करना पड़ेगी. क्योंकि ये सारे उजूर वहां पर चलेंगे नहीं. जब हम अपनी कब्रों में जाएंगे, जब हमने अल्लाह को फेस करना है, तो ये सारे उजर हम लोगों के चलेंगे नहीं. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, मे अल्लाह बी हैप्पी विद अस, एंड मे अल्लाह एंगेज अस इन दोज एक्टिविटीज दैट आर बिलव्ड टू हिम एंड दैट विल प्लीज हिम. आमीन या रब. राइडिंग ऑन अ डोंकी, अल हसन अल बसरी, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, रिलेटेड दैट on a hot and scorching day, Umar radhiyallahu anhu went out with his robe placed over his head. He radhiyallahu anhu passed by a young boy who was riding a donkey, and he radhiyallahu anhu said to the boy, "Oh young boy, carry me with you." The boy jumped off the donkey and said, "Ride, O leader of the believers." The boy said this insisting that Umar radhiyallahu anhu ride in front of the saddle and that he ride behind him. However, Umar radhiyallahu anhu rejected the boy's offer, saying, "No, instead you ride and I will sit behind you. You want me to sit on a smooth surface on the saddle while you sit on a rough surface." Umar radhiyallahu anhu climbed the donkey and sat behind the boy, and when they entered Medina, the people stared at them, amazed that their leader was commuting in such an uncomfortable manner while an ordinary boy was seated comfortably on a saddle. Again, another example. यानी ये book जो है वो पूरी भरी पड़ी है. किससे भरी पड़ी है? Example से, किस्सों से, कहानियों से, जो सिर्फ एक चीज ही हमें दिखाती है, एक ही चीज exhibit करती है बार बार. How humble, how humble, how humble. इसे कहते हैं आजिज होना, इसे कहते हैं मोमिन होना, इसे कहते हैं मुस्लिम होना, इसे कहते हैं बिलीवर होना. जिसके अंदर आजिज़ी नहीं, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं, तो हाउ कैन वी डिक्लेयर वी आर मुस्लिम्स इफ़ वी आर पजेस्ड विद दोज एरोगेंस एंड इफ़ वी आर पजेस्ड विद दोज ट्रेट्स विच डज नॉट कोइंसाइड विद दिस दीज ग्रेट पीपल. हमें ये क्वालिटीज़ को बहुत गौर और फिक्र से सोचना है, समझना है और अपने अंदर इम्बाइब करना है. येट अगेन इन दिस इंसिडेंट व्हाट हैपेंस, ये हसन अल बसरी
में अल्लाह मर्सी अपॉन हिम बताते हैं कि एक गरम, बहुत गरम दिन था समर का, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अपना जो रोब है वो अपने सर पे रखे एज ए शेड, और वो जा रहे थे, चल रहे थे, तो एक छोटा लड़का जो कि डोंकी, गधा सवारी कर रहा था, वो उनके पास से गुजरा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, उस बच्चे से, कि मुझे अपने साथ कैरी कर लो इस राइड के ऊपर। तो जो बॉय था वो इमीजिएटली जंप किया, उसने रियलाइज किया कि ही इज़ द लीडर ऑफ द बिलीवर्स, तो उसने ऑफर किया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो आगे बैठे और वो पीछे बैठे। अभी ये जो घोड़े का या गधे का या जो जानवर की राइड होती है ना, उसका सैडल का तरीका ऐसा होता है, जो फर्स्ट बैठता है ना फ्रंट पे, जिसके हाथ में रेन्स होती है, वो बहुत स्मूथ एरिया होता है, और जो पीछे राइड करते हैं ना, तो वो थोड़ा ऊंचा होता है, रफ होता है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बैठने के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एवर हैड हॉर्स राइडिंग या एलिफेंट राइडिंग या ऐसी कोई कैमल राइडिंग आपने की हो, जानवर की कोई राइडिंग की हो। इफ यू हैव डन इट देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग, कि फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है जिसमें आप रेंस पकड़ते हो, लगाम पकड़ते हो, राइडर जो मेन राइडर होता है, वो जगह स्मूथ और कंफर्टेबल होती है, बट ऊपर की जो तरफ, ऊपर के तरफ जो होता है पीछे, जो आपके को राइडर आप बोल सकते हैं, उसकी जगह जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, ऊंची होती है और अनकंफर्टेबल होती है। तो अभी वो जो बॉय है उसने इंसिस्ट किया कि ये तो लीडर है, खलीफा है, तो लाजिम ही शुड गेट द बेस्ट, तो उसने ऑफर किया कि आप आगे बैठें, लेकिन उमर इब्न खत्ताब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं कंफर्टेबल जगह पे बैठूं और तुम अनकंफर्टेबल होके बैठो, ये सही नहीं है, यू सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, एंड ही इंसिस्टेड दैट ही शुड सिट बिहाइंड। अब जैसे ही वो सिटी में एंटर कर रहे हैं, तो सारे लोग मदीना में हैरान है कि ये देखें हमारे आमिर, ये एक सादे से गधे पे आ रहे हैं वो लड़के के साथ, और वो भी पीछे बैठ कर इतनी अनकंफर्टेबल पोजिशन में आ रहे हैं, एंड जो वो छोटा लड़का है वो इतना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है। यानी लोग हैरान होते थे कि इस तरीके के हमारे लीडर हैं, अमीरुल मोमिनीन इस तरीके के क्वालिटीज़ अपने अंदर पोजेस करते हैं, और उनकी यही क्वालिटीज़ ने जो मयार था लीडरशिप का वो इतना ऊंचा कर दिया कि कोई भी उस मार्क को हिट नहीं कर पाता, विच इज़ सो ट्रू। सुभानअल्लाह, कैपेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैरीड आउट दिस प्रिंसिपल एंड प्रेफर्ड मोर कैपेबल मैन ओवर अदर्स। ही डिसमिस्ड Shurahbil bin Hasana and put Muawiyah radhiyallahu anhu in his place. Shurahbil asked him, "Did you dismiss me because you're not pleased with me, O leader of the believers?" He said, "No, I think well of you, but I wanted a man who is more capable." One of the most eloquent comments quoted from Umar radhiyallahu anhu concerning this matter is his saying, "O Allah, I complain to you of the capability of the evildoers and the incapability of the trustworthy one." सुभानअल्लाह, बहुत डीप है। मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर आपने कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, कोई मैनेजमेंट रन करना है, सो द ओनली पर्सन टू लुक फॉर जिनकी वर्डिंग्स और विजडम आपके काम आएंगी, वो है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। हर एक चैप्टर पे, हर एक लेसन पे आपको अनगिनत नसीहत मिलती है, अनगिनत पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने कल भी कहा था ना, कि इनके कोट्स को वॉल पे हर जगह पे पेंट कर दिया जाए, लिख लिया जाए, जिस पे हमारी नज़र दिन रात पड़ती रहे, और हम लोग कोशिश करें कि हम इसको डुप्लीकेट कर सकें। सुभानअल्लाह। अब ये देखें आप, कैपेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये थोड़ा बारीक नुक्ता है, इसको समझने की कोशिश करें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनका जो तरीकाकार था, उनका प्रिंसिपल क्या था, उनका प्रिंसिपल ये था कि उन्होंने केपेबल आदमियों को इनकेपेबल आदमियों से ज़्यादा तरजीह दी। मैं दोबारा कहती हूँ आपको ये वर्ड्स, कि अजान हो रही है सर की, वी नीड टू टेक अ ब्रेक गर्ल्स। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग दैट ही प्रिफर्ड कैपेबिलिटी मोर देन इनकैपेबिलिटी, यानी उनकी जो मियार था ऑन कीपिंग पीपल ऑन द जॉब्स, ऑन गिविंग देम पोजीशंस या ऑन प्रिफरिंग देम, उनका मियार क्या था, ही यूज्ड टू प्रिफर वो लोग जो काबिल हैं। ये नहीं कि कोई वास्ते से आ गया, ये मेरा फेवरेट है, नो नेपोटिज्म, नो फेवरेटिज्म, इफ द पर्सन नोज द जॉब देन दैट पर्सन विल स्टे इन दैट जॉब, उनका तरीकाकार ये था। ऐसा नहीं कि वो पूरा सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन सफर करें, वो पूरा काम जो है वो रुक जाए, वो पूरा सिस्टम जो है वो ठप हो जाए, ऐसा नहीं था। उनको ये था कि ये बंदे की कैपेबिलिटी ये है, तो इसको ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगा। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्किल सेट्स के मुताबिक उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता था। ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फिशेस को कहा जाए कि भाई आप फ्लाई करो, और बर्ड्स को कहा जाए कि आप स्विम करो। नो, रुखसाना प्लीज स्टॉप योर वीडियो,
video is completely mamnu. Ruksana, stop your video, please. By mistake, I think you have hit the video. All right. So, हम लोग जो हैं इस चीज को हम ध्यान में रखना हमारे लिए as a leader, as a servant leader बहुत जरूरी है कि आप किसको कौन से जॉब पे डिप्यूट करते हैं. जैसे हमने कल भी देखा था कि एक स्लेव था और उसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी. एंड जब इंक्वायरी की गई थी तो पता चला था कि वो बंदे की जो कुरानिक नॉलेज है, ही वॉज अ जज, ही हैड दी स्किल्स के वो विरासत का जो कानून है उसके अंदर भी उनकी महारत थी. रुखसाना, योर वीडियो इज अगेन ऑन. तो आप जो है देखिए कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज स्पेशली नॉलेज ऑफ कुरान जो है वो सब चीज को सुपरसीड करती है. उसके बाद दुनियावी लिहाज से या इवन इस्लामिक लिहाज से देर आर अदर ब्रांचेस, अदर उलूम. ओके, वो जो डिफरेंट साइंसेज हैं उसकी नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, जिससे उम्मत को फायदा पहुंच रहा है, जिससे के सही इल्म फैलने से जो है वो जहालत जा रही है, लोगों के काम जो है वो ईज हो रहे हैं, वो इल्म नाफिया हो रहा है, तो वो किन लोगों के हाथों में देना चाहिए? उन लोगों के हाथों में देना चाहिए जो उस पोजीशन को डिजर्व करते हैं. अगर वो उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करते हैं तो उनकी मूवमेंट हमें कर लेनी चाहिए. हमने कल एक और एक किस्सा पढ़ा था जिसमें खालिद बिन वलीद थे और एक और एक साहबी थे जिनको उन्होंने की पोजीशन से हटाया था क्योंकि वो फितना बरपा होने वाला था. यानी यू सी हाउ ही डज दैट, ही विल चेंज द पोजीशन, ही विल बी देयर ऑन द ग्राउंड. उनको पता है काम कैसे होता है. ही विल बी देयर ऑन द ग्राउंड, ही विल कीप अ वॉचफुल आई ऑन देम. ही इज वर्किंग हार्ड, हार्डर देन एनीबडी एल्स. इतना काम करते हैं कि उनकी सेहत आप देखें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कई बार, बट ही इज सीइंग कि सिस्टम अच्छे से चले. लोग जो हैं उम्मत को प्रॉपर जो सर्व करना चाहिए उस तरीके से वो हक अदा कर रहे हैं. बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन दैट हॉट सीट, ही इज द आमिर. तो आमिर का काम क्या है, सर्वेंट लीडर का काम क्या है, कि वो नजर अपनी टॉप टू बॉटम रखे और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हायरार्की सब जगह पर रखे और फिर उसके बाद जहां पर चेंजेस की जरूरत है वो चेंज करे, जहां पर गाइडेंस की जरूरत है वहां गाइड करे, जहां पर मेंटरशिप की जरूरत है वहां मेंटरशिप करे. लेकिन अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सिग्नेचर, हाँ, साइनिंग अथॉरिटी और सिर्फ रेड रिबन काटने वाले लीडर नहीं बने. और इसीलिए उन्होंने ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है कि तरजीह किसको दी. He carried out this principle and preferred more capable men over others. He dismissed Shurabil bin Hasana. एक Shurabil Hasana थे, उनको उन्होंने dismiss किया और उनकी जगह पे Muawiyah radhiyallahu anhu को place किया. Shurabil ने उनसे पूछा कि आपने मुझे अपने job से निकाला because आप मुझसे please नहीं हो. अस्कार मसा. तो उन्होंने कहा no, ऐसी बात नहीं है. उमर इब्न खत्ताब ने क्लैरिफाई किया, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता हूँ, लेकिन मुझे इस जॉब के लिए ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो आपसे भी ज्यादा केपेबल हो. यानी इस ये काम करने के लिए उन्होंने वो जरा भी हिचकिचाए नहीं, या वो डरे नहीं, या वो ये चक्कर में नहीं आए कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरी इमेज क्या होगी. नो, उनका जो कनेक्शन है वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल से होता है. उन्होंने लोगों को अननेसेसरी प्लीज करने के लिए काम को सफर नहीं कराया. अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने सिर्फ सिस्टम, जो उनका जॉब है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जस्टिफाई अल्लाह की नजर में करने के लिए केपेबल से केपेबल मैन को हटाया, क्योंकि उनकी केपेबिलिटी से ज्यादा केपेबल बंदे उनको मिले. कि जो ऑन जॉब थे Shurabil, जो काम कर रहे थे, he was doing his job rightly, but जब Muawiyah radhiyallahu anhu उनके नजर में आए, then he realized कि Muawiyah radhiyallahu anhu deserves that position of Shurabil, और उन्होंने फिर उसको रिप्लेस किया. और जब Shurabil ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसको ओपनली जवाब भी दिया. अब देखें, कोई मस्का पॉलिसी नहीं चल रही यहाँ पर, कोई पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, नो एप्पल पॉलिशिंग, कोई भी एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग नहीं चल रही है. उसने सीधा जवाब पूछा, इन्होंने सीधा जवाब दिया. दिस इज द रीजन कि मैंने उनको, मैं आपसे प्लीज्ड हूँ, मुझे कोई आपके लिए बदगुमानी नहीं, बट मैं उनकी कैपेबिलिटी को ज्यादा समझ रहा हूँ. एंड देन ही चेंज द पोजिशन. और उसके बाद इतना ब्यूटिफुल सेइंग उन्होंने कोट किया कि ओ अल्लाह, आई कंप्लेन टू यू ऑफ द केपेबिलिटी ऑफ द ईवल डूअर्स एंड द इनकेपेबिलिटी ऑफ द ट्रस्टवर्दी वन. बहुत डीप है ये मीनिंग, कि वो अल्लाह से कंप्लेन कर रहे हैं कि जो ईवल डूअर है ना, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है. सुभान अल्लाह, अगर आप इसको आज की तारीख में भी देखें या टिल द एंड ऑफ द ज़माना आप देखें, दिस इज एप्लीकेबल. कि जो इनकेपेबल लोग है ना, ईवल डूअर जो है ना, उनकी कैपेबिलिटी बहुत तेज है, बहुत शातिर है. और जो ट्रस्टवर्दी है ना, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनकी इनकेपेबिलिटी बहुत ज्यादा है. आई एम श्योर आपको यानी वो नुक्ता समझ आया होगा जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ,
कि हमें जो है ना ट्रस्टवर्दी लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है इंशाल्लाह भी इज़्निल्लाह. अगेन आई रिपीट, ट्रस्टवर्दी लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है रादर देन द ईविल डूअर्स, बिकॉज ईविल डूअर्स आर मोर केपेबल सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली. और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, वी आर सीइंग दिस दैट उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड इट एंड ही इज कंप्लेनिंग टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल अबाउट द सेम. एंड आई ऑल्सो फील द सेम अलॉट. बहुत सारी जगहों पर आई हैव सीन दैट कि जो हक वाले सही इल्म वाले लोग हैं वो केपेबल नहीं है, दे आर नॉट केपेबल इनाफ टू डू थिंग्स वॉट दे आर सपोज टू डू. और जो ईविल डूअर्स हैं ना वो बाई डिफॉल्ट शातिर हैं, शातिर हैं. आप देख लें सोशल मीडिया पर, आप देख लें जिस तरीके से शैतानी हरकतें चलती हैं. यानी सुभान अल्लाह, आई गेट अमेज्ड, मुस्लिम्स में इतने केपेबल लोग हैं, इतने ब्रेन मनी एफर्ट्स टाइम सब लिहाज से माशा अल्लाह है, लेकिन आज तक हम लोग एक प्रॉपर इस्लामिक वैल्यूज को प्रोजेक्ट करने वाले एनिमेटेड फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन नहीं बना पाए. और आप डिज्नी देखें और आप हर चीज को देखें जो एंटी इस्लामिक है, वो कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है. कैन एनीवन आंसर मी क्यों ऐसा, व्हाई इज दैट? आंसर इज हियर टुडे. आई गेट इट that it's not us we are failing. ye question main aksar karti thi, main bhi allah taala se dua karti thi, why can't we do something in a very nicer way, in a polished way, in a professional way, in a much better way, jo appeal kare hamare crowd ko, appeal kare hamare bachchon ko, appeal kare. hamare paas dhang ki kitabein nahi, hamare paas dhang ki animation nahi, hamare paas dhang ki cheeze nahi, aur paise sab hamare paas hain, log sab hamare maujood hain, yahi log unki kaam kar rahe hain, hamara kyun nahi kar sakte? lekin subhanallah, subhanallah, this answers here that the कैपेबिलिटी जो ईविल डूअर्स की है वो कई गुना ज्यादा है, और जो ट्रस्ट वर्थी है वो इनकेपेबल है. मे अल्लाह हेल्प अस या रब, मे अल्लाह हेल्प अस, आमीन या रब. द पीपल लुक एट यू एज अ बर्ड लुक्स एट मीट. व्हेन उमर रदियल्लाहु अन्हु, यस हुस्ना, आई नो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट, सुभान अल्लाह, शी सेज इवन शी हैज एक्सपीरियंस दिस, सुभान अल्लाह. The people look at you as a bird looks at meat. When Umar radiallahu anhu would forbid people from something, he radiallahu anhu would go to his family and say, verily, I forbid the people from such and such deed. And indeed, the people look at you in the same way that a bird looks at meat. If you stoop down to eat the meat, they too will stoop down to eat the meat. If you show that you are afraid by refraining from touching the meat, they too will be afraid by refraining from touching the meat. That is, if you act unscrupulously, they will follow your example. And if you act with integrity and uprightness, again, they will follow your example. Umar radhiyallahu anhu kya karte the? Unka tarika kya tha? Agar wo kuch logon ko kisi galat kaam se rokte the, to wo unki family ke paas jaate the. Aur unki family ko jaake bolte the ki aapko main ye mana karta hoon ye action karne ke liye. Aur phir wo batate hain कि लोग जो है ना आपको एक ऐसे नज़र से देखते हैं जैसे कि एक परिंदा एक गोश्त के पीस को देखता है. अगर आपने आप नीचे झुके उसको खाने के लिए मीट को, तो वो भी झुकेंगे आपको फॉलो करेंगे खाने के लिए. अगर आपने ऐसी एक्सप्रेस किया कि आप नहीं खाना चाहते, आप उस मीट को टच नहीं करना चाहते, तो वो लोग भी उस चीज़ से डरेंगे, उसको टच नहीं करेंगे. अगर आप अच्छी तरह से एक्ट करते हैं, बहुत अच्छे आपके मामलात हैं, तो वो भी आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे. और अगर आप बुरे अमल करते हैं और आपके मामलात बहुत गंदे हैं, तो वो भी इसमें आपको शेडो फॉलोइंग करेंगे. वेरिली बाय अल्लाह, इफ अ मैन अमंग यू इज ब्रॉट टू मी बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ डूइंग दैट विच आई फोरबिड द पीपल फ्रॉम डूइंग, आई विल गिव हिम डबल पनिशमेंट एंड आई विल डू सो बिकॉज ऑफ हिज रिलेशन टू मी. Throughout the duration of his caliphate, Umar radhiyallahu anhu closely watched over his children, wives and relatives, holding them accountable for their every action and thus forcing them to live by a higher code of honor than any other Muslim had to live by. ये parenting की tip है, यानी ऐसी parenting की tip है जिसको हम लोगों को ना, I think most of us fail here. Masalan, I'll give you an example. What he used to do and what is happening in our lives. For example, Umar radhiyallahu anhu ka humne dekha ki agar wo kisi ko keh rahe hain koi cheez karne se mana kar rahe hain ki aisa aap not karo. For example, agar main kisi ko keh rahi hu
कि लड़कियां जो हैं हिजाब पहने, अभी हमारी जो टीनेज गर्ल्स की क्लासेस होती हैं वे टीचिंग देम लॉट ऑफ स्टफ, इनफैक्ट बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक्स भी अभी हमने उसमें शुरू कर दिए सुभान अल्लाह, तो हम उनको कुछ कुछ चीज़ें करने से मना कर रहे हैं। अब जब भी हम उनको मना करते हैं ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चों को भी उस चीज़ के लिए आगाह करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा हो, कि हम लोगों को कह रहे हैं भाई नमाज पढ़ो और अच्छे काम करो और ये करो, एंड अनौज़ बिल्ला हमारी औलाद जो है वो भटक रही है। हालांकि शैतान का अटैक इसी तरीके से होता है, कई बार हम हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि वी हैव सीन नबियों के बच्चे और उनकी बेगम, दे हैव गॉन ऑफ ट्रैक, वी हैव सीन लूत अलैहिस्सलाम, वी हैव सीन नूह अलैहिस्सलाम स्टोरीज, तो होता है ऐसा। बट ब्रॉडली टू अंडरस्टैंड द मैटर एज पर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, के उमर इब्न खताब रज़ियल्लाहु अन्हु यूज़ टू डू दैट, कि वो जैसे ही किसी को किसी मुनकर एक्ट से रोकते थे तो वो अपनी फैमिली को ताकीद करते थे, अपनी बीवियां, अपने बच्चों को, कि ये चीज़ आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि पीपल आर गोइंग टू लुक अपॉन द फैमिली। अभी इंसानी फितरत कैसी होती है कि एक बंदा जब आपको कुछ चीज़ें सिखाता है तो आप क्या करते हो, इमीजिएटली उसकी फैमिली का तर्ज़ अमल देखते हो कि बड़ा आया हमें सिखाने वाला, ज़रा देखें इसकी बीवी क्या करती है, ज़रा देखें इसकी बच्चियाँ या बेटे क्या करते हैं। अब आप जो है ना जजमेंटल हो जाएंगे, आप ओपिनियन अपनी पास करने लगेंगे कि देखो अपना घर तो नहीं सुधार सके, हमें चले सुधारने के लिए। दिस इज ह्यूमन फितरा, वी ऑल डू इट, वी हैव डन इट, मे अल्लाह फॉरगिव अस एंड मे अल्लाह गिव हिदायत टू अस, बट दिस इज हाउ वी थिंक। तो इसीलिए हम जैसे लोगों की जो सोच है ना, इंसानी छोटी सोच, तो उमर रदिल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप उनकी जो फैमिली, उनको कहते हैं कि अगर आप जो है ना कोई गलत काम करोगे तो ये लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे गलत काम करने के लिए, और अगर आप अच्छे नेक अमल करते हो तो ये आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे नेक अमल करने के लिए। और उसका एग्जांपल उन्होंने कैसा दिया कि जैसे एक परिंदा एक गोश्त के पीस को देखता है, कैसे वो उस पर ताक लगा के रहता है, एंड हाउ डज ही फॉलो टू ईट द मीट, यानी वो स्टूप डाउन करता है, तो उस तरीके से उन्होंने उसको पैराडॉक्स देकर एक्सप्लेन किया। सो नाउ हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन हमारा करने वाला काम क्या है, हमारा करने वाला काम ये है कि हम नेकी के लिए किसी को दावा दें, कोई अमल के लिए हम गलत अमल के लिए लोगों को रोकें, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ट्रेन करें, अपने स्पाउसेस, अपने बच्चे, जितनी अपनी हद है उतनी हद तक, यानी कोशिश आप पूरी लगा लें कि आप जो चीज़ बाहर लोगों को दावा दे रहे हैं और उनको करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल करें। अमर बिन मारूफ का बहुत बड़ा दर्जा है, वी हैव सीन इट इन द कुरान, यानी उसका क्या कैटेगरी है माशाल्लाह, वी आर सपोज टू डू दैट। हमें अपनी आंखें क्लोज नहीं करनी है कि चलो जाने दो बाहर वालों को क्या रोकना, इधर हमारे बच्चे ने कंट्रोल में तो बाहर क्या करना, नहीं, ये शैतान का ट्रैप है, ये वसवस है। आप कसरत से दुआ करें, आप मेहनत करें, आप अल्लाह ताला से मदद मांगें कि अल्लाह ताला आपके घर के मामलात को भी कंट्रोल में रखें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुनिन वजअल लिलमुत्तकीना इमामा। आप दुआ कर रहे हैं मुसलसल, इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ बहुत पावरफुल दुआ है, आप कर रहे हैं कि आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, आपके जो स्पाउसेस हैं, उनको अल्लाह ताला इमाम बनाए, द लीडर, आम जनता नहीं, लीडर, लीडर पोजेसेस ऑल दिस क्वालिटी। आप मुसलसल अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, उसके साथ साथ आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप खुद भी एक बेहतरीन सर्वेंट लीडर की तरह पेश आ रहे हैं, उसके बाद आप मुसलसल अपनी आंखें खोल के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे मेरा सीरियल देखना है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं सीरियल देख रही हूँ और हमारे बच्चे यहाँ वहाँ ब्राउज कर रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी इबादत, आपकी दुआ, आपका मुसलसल उनके ऊपर एक तैनात होना लटकती हुई तलवार की तरह बहुत जरूरी है, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई कमी पेशी आ रही है तो डोंट बॉदर, डोंट स्टॉप योर दावा, क्योंकि ये शैतान का ट्रैप है। आप मुसलसल अपना काम करते जाएंगे, यू डोंट हैव टू स्टॉप, आप अपनी इल्म हुसूल कंटिन्यू रखेंगे, आप अपनी दुआ कंटिन्यू रखेंगे, आप अपने दावा का काम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अपनी फैमिली से कनेक्ट हो के आपको कम्युनिकेट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं हो कि आपकी फैमिली जो है ना उसकी ग्रोथ या उसके अमल या उसकी डीड्स या उसकी जो आखिरा की तैयारी है ना उसमें कमी आ जाए। आप बाहर भी कर रहे हो लेकिन सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज निभाने के बाद, तो जस्ट फोकस ऑन योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज फर्स्ट, देन गो फॉर वॉलंटरी। बट डोंट थिंक कि अगर आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग माई ऑब्लिगेटरी तो मैं वॉलंटरी बंद कर दूँ, नहीं, आप कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी।
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके टाइम में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरका देंगे, आपके जो बच्चे हैं वो आपके हेल्पर्स बन जाएंगे, आपके स्पाउस जो है वो आपके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला बिहेवियर रखेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन सिंसियरली आपने दुआ करना है अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु वतर्ज़ा, अल्लाहुम्मा इस्तख़दमनी वला तस्तब्दिलनी, ये सारी चीज़ें आप हर बार दुआ करते जाएँ, रब ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़ि दीनी, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा लम तनी वअल्लिमनी अन्फ़अनी वज़िदनी इल्मा, कंटिन्यूसली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्वा वल-आफ़िया फ़ि दीनी वदुनिया, कंटिन्यूसली इसका अमल जारी रहे, क्योंकि ये छोटे छोटे कलिमात हैं लेकिन आपकी दुनिया और आखिरा इसमें सीमित है, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िए, दिस इज़ द ओनली टूल दैट विल वर्क फॉर यू एंड मी इंशा अल्लाह या रब। द कैमल ऑफ द सन ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर बॉट अ कैमल विच वुड ग्रेज इन अ पब्लिक पास्चर कॉजिंग इट टू बिकम हेल्दी, आफ्टरवर्ड्स ही टुक द कैमल टू द मार्केट विद द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, Umar saw the camel in the market and became amazed at the healthiness of the camel and asked about its owner. The people related to him that its owner was Abdullah bin Umar. He asked in an astonished tone, "Does this camel belong to the son of the leader of the believers?" He was afforded the opportunity to do so by the people because it belonged to son of the leader of the believers. He then said to his son Abdullah, "Take your initial investment." Yes, Usna? Just, I can hear Chotu, he's got hijki or hijki lagi kya Chotu? Yeah. I was just feeding him during the first one. If you want to tend to him or something? No, actually, yeah, I was just feeding him, na. So, alhamdulillah, he did the burping and he did the vomiting. But this hiccups is the part of their lungs development. So, I just leave him upright to do some hiccups. You don't need to give water or something to him? No, I just thought like, Alhamdulillah, he's good. I appreciate the concern, Ya Husna. He's in my hand. नहीं. ये पूरे लड़के में वो मेरे साथ होता है. सफर नहीं करूंगी. आई हैव एन इन्फेंट, ये मेरी प्रायोरिटी है. अगर ये अगर नहीं सेट रहता है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती. तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टेंडिंग टू हिम कंटिन्यूअसली व्हेनेवर आई टेक दिस लेक्चर. आपने बीच में जो इसका चीखना सुना था ना, आई हैड टोल्ड आमिना टू चेंज हिज ड्रेस, ही वाज क्राइंग अ लॉट. तो अल्हम्दुलिल्लाह ही डजंट वांट टू मिस द लेक्चर. दिस इज व्हाट आई रियलाइज. उसको मैंने तुम्हारी तरफ से किसी दे दी. सो अल्हम्दुलिल्लाह उमर इब्न खताब आस्क्ड दैट ये जो कैमल था बहुत माशाल्लाह ये ग्रेस करता था, बहुत अच्छी जगह पे अपना चरता था और फिर बहुत हेल्दी हो गया था. तो एक बार उमर रदिल्लाहु अन्हु ने देखा मार्केट में कि ये कैमल इतना सेहतमंद है, तो उन्होंने इंक्वायर किया कि इसका ओनर कौन है. तो उन्हें पता चला कि उन्हीं का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो उनके उनका कैमल था. तो वो बहुत हैरान हुए और फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या अमीरुल मोमिनीन के बेटे का कैमल है. उन्होंने कहा हाँ. फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा अब्दुल्ला से कि टेक योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल द प्रॉफिट विल गो टू पब्लिक ट्रेजरी. उन्होंने कहा सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम लोगे और जितना भी प्रॉफिट है ना वो सारा कुछ पब्लिक ट्रेजरी में जाएगा. यानी ही वॉज सो अपराइट, ही वॉज सो फेयर, इतने जस्ट थे अदल के मामले में कि उन्हें ये लगता था कि ज़रा सा भी यहाँ से वहाँ ना हो. तो अगर वो कैमल जो है वो कौन सी जगह पे पब्लिक पैस्चर में से वो खा रहा है और वो कैमल तगड़ा हो रहा है, तो उससे जो भी आपको फवायद मिले, मसलन उसका दूध बेच रहे हो आप या की चीज़ों को आप बेच रहे हो या वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है या जो भी यूज़ हो रहा है, तो उमर रदिल्लाहु अन्हु ने रूल वर्डिक्ट क्या दिया अपने बेटे को कि आप जो है सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट यानी उसको जो इनिशियल खरीदने में जो आपका कैपिटल लगा है आप सिर्फ वो लोगे, जितना भी इसमें प्रॉफिट होगा वो आप अपने पॉकेट में नहीं डालोगे, वो पब्लिक ट्रेजरी में जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कैमल जो है वो पब्लिक पैस्चर्स में जाकर ग्रेस करता था. सुभान अल्लाह. अभी मैं फिर आपसे कह रही हूँ, बारीकी देखें, बारीकी, ऐसी बारीकी और ऐसी अदल और ऐसा जस्टिस
हम नहीं सोचते हैं. हम तो मैंने कहा ना आपको, हम बाजार जा रहे होते हैं, वहां पे बैठे हैं, गोनी में हाथ डाला और चावल के दाने मुंह में, और इधर से एक चॉकलेट ले लिया, उधर से एक्स्ट्रा ले लिया. हर जगह पे हमारी कोशिश होती है कि हम एक्स्ट्रा ले लें, और जब देने की बारी आती है तो कम दे दें. ये हमारा एटीट्यूड है. तो आप देखें किस तरीके से हम लोग कैसे जवाबदेह होंगे. मे अल्लाह फरगिव अस, और आगे के जो हमारे मामला थे अल्लाह ताला उसको आसान करे, और हम लोगों को फहम दे, तौफीक दे, हिदायत दे, कि हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी अपनी दिखाएं, और हम इसी बारीकी से चलें, इसी फोकस के साथ चलें. अगर हम कहते हैं कि हम मुत्तकी हैं, अगर हम कहते हैं कि हम वाहिद हैं, हमें ये बारीकी अपनी मामलात में लानी पड़ेगी, कि जिसका अगर हमने 100 फिल्स या 10 फिल्स भी अगर हम पे बनता है उसको अदा कर दें. हम किसी का भी माल हड़प के, कोई उधारी और ये अपने ऊपर गले में लटका के नहीं घूम सकते. बीइंग अ मुस्लिम्स वी हैव टू क्लियर आवर अकाउंट. हर रात सोने से पहले पैसों का मामला क्लियर करें, किसी के साथ कोई दुनियावी तौर का मामला क्लियर करें, माफ़ करें, फॉरगेट करें, फॉरगिव करें, अकाउंट्स को टैली करें, क्लियर करें, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके रात को सो जाएं. बिकॉज वी डोंट नो कि अल्लाह ताला हमें फिर से ज़िंदगी दे के सुबह उठाने वाले हैं कि नहीं, लेकिन उसके उसकी मुलाकात के लिए तैयारी करें, क्योंकि हर रोज़ वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर डेथ विद एवरी पासिंग सेकेंड. If you have any questions, please ask now, because I'll be closing it here then. Discussion के लिए कुछ time रखते हैं. 19. Any discussion in regards to what we discussed today? Afsha, Reen, Shabana, Ome Muhammad, anything you would like to contribute? Yes, Reen, go ahead, please. मुझे एक सवाल था कि ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमानों पे 5 या 6 हक होता है, राइट? राइट. ओ, आप थोड़ा एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? जरूर रिपीट करेंगे. आई गेट वेरी हैप्पी टू रिपीट दैट. एक सलाम का जवाब देना, एक अगर वो आपको किसी दावत में बुलाए तो वो कबूल करना, एक अगर वो छींके अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो आप यरहमकुल्लाह बोलना, एक अगर वो फौत हो जाए तो आप उसकी कंडोलेंस या उसके उसमें जाना, उसके तदफीन और उसमें जाना, और एक अगर वो आपसे एडवाइस मांगे तो उसको बहुत अच्छी ऐसी एडवाइस देना जो उसकी आखिरा और दुनिया के लिए बेहतरीन साबित हो. राइट right? जी, जज़ाकअल्लाह खैरन. मुझे और एक सवाल था, ये जो आपने कहा ना अभी एंड में कि अगर आपने किसी से उधार लियो तो टाइम से चुका देना, तो अगर कोई हमसे उधार मांगे तो ऐसा कुछ है कि उनका हक होता है कि अगर वो उधार मांगे तो हमें उनको देना है? हक नहीं होता उनका, बट आप अगर उस एंगल से आप जाओगे तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भाइयों की मदद करें. इफ आई वांट टू गो थ्रू दैट लाइन, हमारे पास हदीस मिलती है इधर कुरानिक वर्सेस ऑन ब्रदरहुड, जो कि अगर आपने किसी अपने भाई की मदद की है तो वो आपके लिए बेहतर है देन द इबादा, देन द वॉलंटरी इबादा. ठीक है, तो आप जो है उनकी मदद करोगे, आखिरा में अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे. लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर मामलात में हद से ज्यादा तजावुज नहीं अलाउड है. मसलन अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप उसको सिर्फ 20 या 10 दिनार देकर आप उसकी मदद कर सकते हो, दिस इज द ओनली एक्सेस यू हैव, देन आप उसको दें. ऐसा नहीं हो कि आप अपने बच्चे और अपने डिपेंडेंट्स के मुंह का निवाला उठा के दे दें. ठीक है, तो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो उस चीज का बेशक ध्यान रखें. दूसरा ये कि उधार का मामला ऐसा रहता है ना कि दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, हाँ, कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो पैसों के लिए, पहला तरीका कार तो ये कि लिख लें, एक तो अपनी इस्तेताद के हिसाब से दें, दूसरा लिख लें, बिकॉज दैट इज वॉट अवर बुक्स से, लिख लीजिए, गवाह हो, कोई जमानत हो तो वो मेंशन करके लिख लीजिए, ड्यूरेशन हो तो लिख लीजिए. अगर वो अपने ड्यूरेशन पे नहीं दे पाता तो उसकी मोहलत बढ़ा दीजिए, ये आपके लिए बेहतर है. अगेन वी हैव अ हदीथ ऑन दैट, तो आप ये कर सकते हो. लेकिन अगर इफ यू सी दैट द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक टू यू, तो आप उसको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, राइट इट ऑफ, इट इज गॉन, बेड डेट्स नॉट टू बी, बोलते हैं ना, रिसीव्ड बैक, राइट ऑफ योर बेड डेट्स, तो वो आप अल्लाह की खातिर माफ कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा. लेकिन डोंट गेट इनटू अ सिचुएशन कि आपने उसको यहाँ से लोन लेके, यहाँ से उधार लेके आपने उसको उधार दे दिया, अब आप उसके चक्कर काट रहे हो, अब आप उसके चक्कर काट रहे हो, आपने लिखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपने जमानत नहीं किसी की ली, और आपने जो सलाह मशवरा करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, आपने लोन उठाकर क्रेडिट पे इसको पैसे दे दिए, और अब वो आपके गले गर्दनों पे पकड़े हुए हैं और ये बंदा घूम रहा है, तो ये सारी सिचुएशन का जिम्मेदार कौन हुआ फिर? आप खुद हुए ना.
हाँ मैं खुद हुई। हाँ तो फिर आप जो है इसको हद से ज्यादा तजावुज कभी भी ना करें। नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज होना, सुकून से इस्तखारा करना, अल्लाह से दुआ करना, अपने जो लोग हैं जो नॉलेजेबल हैं उनसे सलाह मशवरा करना, और फिर अपनी इस्तेताद के मुताबिक आप उसको दें, और उसके बाद लिख लें, और फिर उसके बाद तकाजा करें, अगर वो नहीं करता तो मोहलत बढ़ा लें, अगर वो तब भी नहीं दे रहा तो खलास फी सबीलिल्लाह आप भूल जाएं उसके बारे में। ओके अच्छा, मैंने कहीं एक हदीस पढ़ी थी, पता नहीं गलत है कि सही है या क्या, कि अगर अभी ये हो गया देने की बात, अभी आई मीन किसी को लोन देने की बात, अभी अगर सपोज मैंने किसी से लोन उधार ली है तो वो चुकाना भी मेरा उतना ही बनता है ना जिम्मेदारी रीन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी लाइफ का पे। प्रिंसिपल, जी मेरी लाइफ का प्रिंसिपल, इतने सालों से जी आई हैव बीन ट्रांजैक्टिंग इन मनी, आई मीन आई हैव बीन डूइंग जी माय ओन वर्क एंड बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। या एक पैसा एक ऐसा फितना है जो कुरान में भी मेंशन है, ऑफ कोर्स ऐसा या फितना पैसा है और एग्जैक्टली बच्चे कि इनसे अगर आप जितना इज्तनाब करें इन गेटिंग इन टू द लूप इतना बेहतर है आपके लिए। उधारी लोन क्रेडिट कार्ड इसको खत्म, इसके चक्कर में पड़ना ही मत। हमारा प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कैश डाउन ले लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोन पे क्रेडिट पे बिल्कुल मत लीजिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय प्रिंसिपल इन लाइफ। दूसरा ये कि उधारी की इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह या रब कभी जरूरत ही ना पड़े, कभी भी जरूरत आमीन ना यार पड़े, इंशाल्लाह। लेकिन इनकेस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो देख लीजिए आप कि कहाँ से हलाल वे है टू टेक और बोरो मनी। जी उसके बाद लिख लीजिए, उसकी मोहलत फिक्स कर लीजिए, विटनेस जमानत कर लीजिए, और पहली फुर्सत में अपना उधार क्लियर कीजिए। बिकॉज इतनी सख्त हदीस है कि अगर आपने अपना उधार नहीं किया, इवन दो यू आर शहीद का दर्जा अगर आपका हो रहा होता है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। बहुत बड़ा मामला है उधार का। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे भाई बहनों को जो इस चीज के अंदर घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी गर्दनों को निजात दे, बिकॉज ये बहुत सख्त मामला है, बहुत सख्त मामला है। मैं आपसे यही, इफ यू आस्क मी पर्सनली, डोंट गेट इनटू लोन्स, किसी से लोन ना ले। एक बार आप एक चीज नहीं लेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन लोन ना ले। सही बात है अल्लाह मायनिया सलोकल एक्चुअली मुआफा फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह मायनिया सलोकल मुआफा फी ना। दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला सिर्फ अपनी जात पर हमें डिपेंडेंट रखे, इंसानों के डिपेंडेंट हम कभी ना रहे, कभी भी ना रहे या रब, बस आमीन इसकी यार। दुआ करें जी। ओके अभी कभी ना ऐसा होता है कि अगर सपोज किसी को लोन दिया है तो सामने वाले की रवैया ऐसी होती है कि हाँ यार ओके लोन लिया है तो क्या थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, तो ये तो वैसी भी सिचुएशन होती है। सुभान अल्लाह वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ लोगों की ये ऐब है, सुभान अल्लाह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस या मुक़ल्लिब क़ुलूब सबित क़ल्बी अला दीनक या रब। किस कुछ लोगों की हैबिट है कि वो खुद कमाते नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करते, उन्होंने एक जी शॉर्टकट शॉर्टकट निभाया है अपने लाइफ का, एक तरीका बनाया है कि हम लोगों से उधार लेंगे, हम बैंक से लोन लेंगे, हम क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदेंगे, और फिर उसके बाद हम एक बड़ी लैविश लाइफ जिएंगे, हम लेटेस्ट मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेंगे, एसी में घूमेंगे, बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे उधार के। और फिर जब वो लोग तकाजा करते हैं, बैंक्स भी मांगती है, क्रेडिट कार्ड्स भी, दे विल कम फॉर रिकवरी, तो वो अपने उजर करते हैं, भागते रहते हैं, अपना पीछा छुड़ाते हैं, कहीं यहाँ से इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करते हैं। मे अल्लाह फॉरगिव अस, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट दोस पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस, आमीन या रब। तो वो ये तरीकाकार करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अगर किसी अपने करीबी को दिया है उधार, आप तकाजा करें एक बार, आप तकाजा करें दो बार, और उसके बाद आप छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट इट, अल्लाह ताला विल गिव यू बरका। लेकिन आप किसी को रुसवा ना करें, अपने भाई को, आप अपने रिश्ते नहीं खराब करें, फॉरगेट अबाउट इट। माल जो है ना हम फिर से कमा लेंगे इंशाल्लाह, बट अपने रिश्ते जो है ना, रिलेशन जो दोबारा नहीं उसको आता। उसको नहीं खराब करिए। दिस इज माई माई एडवाइस टू यू। ओके ओके मुझे यही जानना था कि ये आई मीन ये किसी मुस्लिम का हक तो नहीं होता है, आई नहीं नहीं मीन नहीं नहीं अगर नहीं हमसे मांगे। नहीं बल्कि ये, बल्कि वो आप पे जुल्म कर रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने सबर किया और अल्लाह की खातिर आपने छोड़ा ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए अमेजिंग अजर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह फैसिलिटेट करेंगे और आपके रिस्क में आमीन बरका देंगे। तो आप बेटर मुस्लिम बनने वाला सबूत दीजिए आमीन यार इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। यस जज़ाक अल्लाह खैर। भैया की हबीबती, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Yes, is this loan in the sense included for the things also what we take?
See, Juhina, this is a very deep topic. Like, if I want to buy a house on EMIs and installments and this and that, I told you my personal opinion that I am a person who believes in a cash down payment. If I'm buying a property by taking loans, and what is the guarantee that I'm going to be alive to clear the EMIs? Who is there behind my back to continue that? This is a very deep topic, and it varies from person to person and their situation. But I, on a personal level, I'm totally against loans, credits, and buying things on installments. I'm totally against it. So many people think that we ask something from someone, even like from the neighbors. So हम लोग को इवन उस चीज में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम absolutely जुहिना, very good that you raised this point, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हमने for example बहुत common scenario है, हम neighbor से हमने मांग लाया कि भाई हमारा vacuum नहीं चल रहा, पकड़ा दो vacuum cleaner. ये vacuum is a very big thing. Let me ask you, एक पतीला घर में दावत है, हमने लेकर आ गए, हमारे घर में दावत हो गई, हमने बना लिया, सब कुछ हो गया, हमने वो पतीला धो के अंदर रख दिया. अब वो नेबर जो है उसके जहन में नहीं है कि दिया है नहीं दिया है, या वो हमारे दरवाजे तक नहीं आना चाहिए कि वो पतीला कहाँ है. आपकी जरूरत थी, आपने इस्तेमाल किया, सही तरीके से इस्तेमाल करें और फटाफट उठा के उसको आप लौटा दें, उसके मांगने से पहले लौटा दें. ओके, ये हमारा तर्ज अमल होना चाहिए. दूसरा ये कि जो मेरी पॉलिसी है कि मांगने वाली सिचुएशन आए ही ना, लेकिन अगर आती है, जस्ट इन केस होता है, मामला होते हैं ऐसे, तो आप उसके मांगने से पहले आप उसे लौटा दें, उसको तरले कराने मत लगाएं. उसकी अमानतदारी, आप याद है वो जो चैप्टर हमने पढ़ा था कि उमर इब्न खत्ताब की कोर्ट में क्या था, अमानतदारी वाला चैप्टर, यही है वो पॉइंट कि बंदा जो सच बोले, बंदा जो अमानतदारी रखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल हम लोग इसी में ही फेल हो रहे हैं, बिग टाइम वी आर फेलिंग इन अमानतदारी. हमें पढ़ी नहीं है, हमने किसी का ड्रेस लिया उधार, हमने पहन लिया, इवेंट पे आ गए, उसको हमने मिसयूज कर दिया, कहीं से फट गया, वो फटा हुआ और दाग वाला लगा हुआ, हमने फिर से लौटा दिया, वो बेचारा सोच रहा है मैंने क्या गुनाह किया, यू नो ऑल दिस थिंग्स. हम बोलते क्या हो गया, एक ही ड्रेस है ना, व्हाट्स अ बिग डील. यानी इट इज अ बिग डील, इफ यू आर अ मुस्लिम इट इज अ वेरी बिग डील. आपने किसी का दिल तोड़ा है, और इतनी बड़ी सख्त हदीसें हैं, बी वेरी केयरफुल. आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा, आपके मामलात आपको सुधारने पड़ेंगे. हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद आपको देना पड़ेगा हिसाब. डोंट टेक इट लाइटली, मामलात को बिल्कुल स्ट्रेट रख के चलें. और ये नौबत, जैसे मैं दोबारा से कह रही हूँ, आने ही ना दें कि ये जो लेन देन वाले किस्से हैं ना, अल्लाह हमको इस चीज से बचाए और महफूज रखे यार. अब बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी पकड़ है. छोटे से छोटी चीज हो, एक चम्मच या नींबू हो, या एक अनाज का दाना, बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. यस जुहिना जी, मैंने इसलिए दाने का आपको एग्जांपल दिया ना, जो एक कॉमन सिनेरियो है हमारा. हम वो उधर खड़े होते हैं बनिया की दुकान पे ना, हम उठा के उसके चावल के चार दाने मुंह में डाल देते हैं, वो चार दाने की क्या औकात है. लेकिन अगर वो हिसाब किताब होना है सब चीजों का, वो ओनर का था, आपने उससे इजाजत ली, आपने ऐसी चरण चरण चालू हो गया, आपने टेस्टर्स इधर उधर लेना शुरू कर दिया. वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें, एक दाना भी, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. क्या ये आपके लिए हलाल है कि नहीं है, सोचें, बहुत बारीकी से सोचें, और हर स्टेप लेने से पहले बहुत अल्लाह ताला से दुआ करें कि बस अल्लाहुमा इक्फिनी भी हलाली का हरामी का व अग्निनी भी फदली का अमन सिवा. मेक दुआ. इंशाल्लाह ताला वी विल मीट टुमारो. We are already 9 minutes up. So, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Just one thing guys, main aap logon ki life ko jo hai na difficult nahi bana rahi hu. If you might think, oh my god, this is too much of burden, but thoda sa aap gaur o fikr karenge to you will come to a conclusion ke inshallah taala hum log hamara jo rectification karenge na aakhira ke point of view se, wo behtareen ek बेहतरीन सेल्फ आपका जो निकलेगा बाहर, तो उसके लिए आप कोशिश करें. ये बोझा नहीं है, ये जहमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है. तो बस उसके ऊपर पॉजिटिवली सोचें. ओके, आई डोंट वांट टू मेक योर लाइफ्स डिफिकल्ट हियर. ऑलराइट, टेक केयर देन. इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होती है इंशाल्लाह. एक बार याद था, एक वो स्टोरी है, पता नहीं स्टोरी की हदीस है कि कहाँ पे है, कि जन्ना की वो जो रास्ता कैसा है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते अगर तो ये तो बननी है थ्रोन की, आई नो
कांटे की तरह. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. जज़ाकल्लाह खैरन फॉर मेकिंग इट लाइक दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. बस यही है कि सोच का फेर है ना, तो बस मैं याद दहानी कराती रहती हूँ कि इसको तकलीफ मत समझिए, इसको डिफिकल्ट मत समझिए. देखा जाए तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये रास्ता, ये रोशनी, ये इल्म खोल रहे हैं, और धीरे धीरे हम रोज के हिसाब से एक ना एक चेंज हम अपनी जिंदगी में ला रहे हैं. और अगर हम ये एक एक बेबी स्टेप्स भी लेते जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह 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 कहीं ना कहीं बेदनिल्ला जरूर पहुंचेंगे. ठीक है ना? तो बस ऑन दैट नोट इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड बेदनिल्ला कल मुलाकात होती है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.